नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। झारखंड में बिहार के तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया। बताया गया है कि बकरी चोरी के शक में तीनों को पीट पीट कर मार डाला। मरने वालों में दो सगे भाई, जिनकी गाड़ी और सामान भी गायब। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत किए इकट्ठे। आपको बता दें, चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया, जिनमें संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर हार का सामना देखना पड़ा। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली तक बड़ी बीजेपी की हलचल। अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक चुनाव के चलते लखीमपुर में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उन्हें पहले थप्पड़ मारे, कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने किया कमाल। इस बीच जम्मू कश्मीर के निर्दलीय हिंदू विधायक प्यारे लाल उमर अब्दुल्ला की पार्टी में हुए शामिल। दशहरे के बाद होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण। प्रदेश अध्यक्ष बडोली का कहना, यह फेस्टिवल सीजन है, इसके बाद सीएम चेहरे पर शपथ ग्रहण की होगी चर्चा। बात करें मौसम की तो गोवा में 5 कमर्शियल फ्लाइट्स की गई डायवर्ट। एमपी राजस्थान समेत 25 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी। वहीं बिहार में बाढ़ के हालात में सुधार। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 140 अंक से ज्यादा की तेजी रही, तो निफ्टी में 70 अंक की बढ़त देखी गई। बता दें, बैंकिंग, ऑटो सहित एनएससी के सभी सेक्टर चढ़े। बात करें सोने चांदी के भाव की तो 75,000 के नीचे आया सोना। वहीं चांदी 2,122 गिरकर 88,290 प्रति रुपए किलो पर आई। लेकिन आप कैरेट के हिसाब से देखें सोने के भाव। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। आप बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते दिन 8 अक्टूबर को सामने आ चुके हैं, जहां सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार बंपर जीत दर्ज की है। दरअसल हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नायब सैनी बुधवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सैनी ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए पीएम से विचार विमर्श किया। आपको ये भी बता दें कि नायब सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई भी दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के लिए संकल्प में हरियाणा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है, उन्हें हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, जिसका परिणाम है कि तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में सीएम कौन होगा, इस पर नायब सैनी ने कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है, अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। हरियाणा में चुनाव की मतगणना समाप्त होने के बाद भी बीजेपी की झोली में दोहरी खुशी आ गई है। दरअसल काउंटिंग खत्म होने के अगले ही दिन बीजेपी को 2 और विधायक मिल गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करने के बाद गन्नौर से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद कादियान ने यह निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता की मांग और गन्नौर के विकास के लिए वे भाजपा का समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्नौर के विकास के लिए सरकार का सहयोग जरूरी है। तो वहीं राजेश जून ने बहादुरगढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर चुके राजेश जून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। टोहाना सीट से हार के बाद देवेंद्र बबली बोले, भाजपा को मां कहने वाले जयचंदो ने पीठ में छुरा घोपा है। दरअसल पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि जनता ने कांग्रेस का विधायक बनाया है जो पूरे 5 साल विपक्ष में बैठेगा। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुद अपना चुनाव मानकर लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ जयचंद लोगों ने भीतरघात किया है।
बताते चले कि देवेंद्र सिंह बबली ने भी पार्टी के ही नेता को जयचंद बताते हुए पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह ने 10,836 वोटों से हारने के बाद बिना नाम लिए देवेंद्र बबली ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पर निशाना साधा है, साथ ही भीतरघात के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि कुछ लोगों को टोहाना का विकास रास नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी को मां कहने वाले जयचंदो ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पार्टी के पीठ और सीने में छुरा मारने का काम किया है। वहीं बात करें दिल्ली शराब घोटाले मामले में जमानत पर जेल से बाहर आकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मतदाताओं को लुभाने में विफल साबित हुए। दरअसल पहले उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सांसद सुशील गुप्ता ने मोर्चा संभाला था। वहीं पार्टी में हरियाणा से बड़ा स्थानीय चेहरा न होने पर अरविंद केजरीवाल को लोकल बॉय के तौर पर भी दिखाने के दाव ने भी काम नहीं किया। बताते चले कि इस बार आपको 1.79% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के पास 89 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। वहीं कलायत सीट से प्रत्याशी अनुराग ढांडा करीब 5,500 वोट पाकर सातवें नंबर पर रहे। ढांडा से पहले भाजपा इनेलो प्रत्याशी सहित दो आजाद उम्मीदवार रहे। आपके सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जाने वाले जगाधरी सीट से आदर्श पाल तीसरे नंबर पर रहे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।